बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ग्रेड 8 टुडे वी स्टार्ट डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिसेस। की डेफिनेशन पढ़ेंगे, लेट ए एंड बी बी टू मैट्रिसेस। अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हों आपके पास, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी। ए और बी इक्वल होंगे एंड डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ। अगर आपके पास टू कंडीशन है इसकी, तो देखें फर्स्ट पे है If order of A is equal to order of B, यानी A का और B का order same होना चाहिए, यानी इसका 2 by 2 है तो उसका भी 2 by 2 होना चाहिए। Second pair, their corresponding entries are equal, उनके सामने वाली entries हैं वो भी equal होनी चाहिए। Example आप बताइए या देखें तो first है A matrix आपके पास 1, 3, minus 4 and 2। B देखें तो 1, 2 plus 1, 3 होगा, minus 4, 4 minus 4। तो ये दोनों equal matrices हैं, इनको solve करें तो इसके equal ही आएगा। अब देखें तो इनमें ऑर्डर भी सेम है दोनों का और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। तो ये थी आपकी इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन। नेक्स्ट देखें तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। एक्सरसाइज आपके पास है 1.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब इनके ऑर्डर जस्ट आपने बताने हैं, कल आपने डेफिनेशन भी पढ़ी थी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। तो फर्स्ट पे है 2, 3, -5, 6, ए मैट्रिक्स आपके पास है। तो इसमें टू रोज हॉरिजॉन्टल जो है वो रोज होती हैं और वर्टिकल कॉलम होते हैं, तो इसमें टू रोज और टू कॉलम है, इसका ऑर्डर होगा 2 by 2। सिमिलरली बी भी ऐसे ही, उसका भी ऑर्डर 2 by 2। सी देखें तो 2, 4, इसमें एक रो और दो कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 1 by 2। पहले रोज लिखते हैं बाद में कॉलम लिखते हैं। तो डी इज इक्वल टू 4, 0, 6 है, इसमें 3 रोज और 1 कॉलम होगा, तो इसका ऑर्डर होगा 3 by 1। इसी तरह ई आपके पास, इसमें 3 रोज और 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर होगा 3 by 2। सिमिलरली एफ है, एफ में देखें तो एक डिजिट है, तो एक ही रो होगी और एक ही कॉलम होगा, तो इसको लिखेंगे हम, इसका ऑर्डर होगा 1 by 1। जी आपके पास, इसमें 3 रोज और 3 कॉलम है, तो 3 रोज और 3 कॉलम, इसका ऑर्डर होगा 3 by 3। एच आपके पास है, 2 रोज है इसकी और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर होगा 2 by 3। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो कौन सा मैट्रिक्स किसके इक्वल है ये आपने बताना है इसमें। अब ए देखें तो ए में ए इक्वल है 3 के। इस तरह सी, ए विद सी, 5 - 2 करें तो 3 आएगा, ए इज इक्वल टू सी। इसी तरह बी आपके पास है 3 and 5, और आई देखें तो 3 and 3 + 2, ये भी 3 and 5 के इक्वल होगा, तो बी इज इक्वल टू आई। इसी तरह ई है, ई, एच और जे, ये तीनों इक्वल मैट्रिसेस हैं, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो F और G देखो, तो F आपके पास 2 और 6 है, G आपके पास 3 - 1 2 होगा, 3 + 3 6, तो F और G आपस में इक्वल है, D किसी के भी इक्वल नहीं है। तो यही आपकी डायरी, इसको अच्छे तरीके से आपने करना है।